फ्रेंड्स, आज हम नीड के सारे इस्तेमाल एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में सीखेंगे, यानी कि वर्तमान काल में। तो सेंटेंस होगा, मुझे पेन की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। या फिर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे पेन चाहिए, इसका भी इंग्लिश होगा आई नीड अ पेन। उसे बुक की ज़रूरत है, ही नीड्स अ बुक। तुम्हें बाइक खरीदने की ज़रूरत है, यू नीड टू बाई अ बाइक। अब हम इसका इस्तेमाल पास्ट में सीखेंगे, पास्ट मीन्स भूतकाल। उसे बाइक की ज़रूरत थी, ही नीडेड अ बाइक। उन लोगों को कार की ज़रूरत थी, दे नीडेड अ कार। अब हम नीड का इस्तेमाल फ्यूचर में सीखेंगे, यानी कि भविष्य काल में। मुझे इस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, आई शैल नीड दिस बुक। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल नीड टू गो देयर। अब हम नीड का इस्तेमाल वैसे सेंटेंसेस के लिए सीखेंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसको जाने की ज़रूरत थी ये इसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश हो जाएगा, व्हाट वॉज द नीड टू गो देयर। उससे बात करने की क्या ज़रूरत थी, व्हाट वॉज द नीड टू टॉक टू हिम। दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी, व्हाट वॉज नीड टू ओपन द डोर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।